नमस्कार, स्मार्ट ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आपका स्नैपचैट का आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपका स्नैपचैट का आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसे आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, अंत तक देखिए और सीख जाइए कैसे आप रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखता है और एक साइन अप का ऑप्शन दिखता है। अगर आपने अकाउंट पहले से बनाया हुआ है तो आपको लॉगिन करना है। अगर आपने अकाउंट पहले से नहीं बनाया है तो आपको अकाउंट बनाने का जो तरीका है वो मैंने वीडियो में बना करके पहले बता दिया है। आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप अकाउंट बनाना सीख सकते हैं स्नैपचैट का। उसके बाद यहाँ पर हमें आईडी को लॉगिन करना है, रिकवर करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर यूजर आईडी डाल लेना है या फिर ईमेल आईडी डाल लेना है या फिर फ़ोन नंबर आपको डाल लेना है, जिस चीज़ से आपने स्नैपचैट का जो आईडी बनाया है, क्रिएट किया है, उस चीज़ को आपको यहाँ पर डाल लेना है। नंबर या फिर मोबाइल नंबर या फिर यूजर आईडी, ठीक है, या फिर ईमेल आईडी, जो आपको जिस चीज़ से आपने बनाया है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर फॉरगॉट योर पासवर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने किस चीज़ से अपना जो फ़ोन नंबर से लॉगिन किया था या फिर ईमेल से, उस पर आपको एक ओटीपी जाएगा, वेरीफाइड कराया जाएगा, रीसेट पासवर्ड भेजा जाएगा। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर फ़ोन नंबर जिस चीज़ से आपने डाला है उसको आपको क्लिक करना है, अलाउ पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल लेना है या फिर आपने ईमेल डाला है तो आपको ईमेल आईडी डाल लेना है। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक ओटीपी आएगा, ये ऑटोमेटिक डल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट, अब यहाँ पर आपको नया पासपोर्ट डाल लेना है जो आपको याद रहे, ठीक है। दोनों में आप सेम पासपोर्ट डाल लीजिए जो आपको याद रहे। डालने के बाद अब आपको यहाँ पर जो पासवर्ड है वो डल चुका है हमारा, दोनों में सेम पासवर्ड डल चुका है। अब हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने यहाँ पर लॉगिन करने का पेज आ चुका है। तब हमें यहाँ पर जो हमने यहाँ पर नया जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया है, जो अभी हमने बनाया है, जो दोनों में हम सेम पासवर्ड डाले हैं, उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है और यूजर आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो रिकवर हो चुका है। हमने यहाँ पे विशाल कुमार के नाम से बनाया था तो हमारा अकाउंट भी रिकवर हो चुका है और हमारा स्नैपचैट का आईडी भी लॉगिन हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी अपने फ़ोन में स्नैपचैट को लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।